हेलो बच्चों, चलिए बच्चों तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। और देखिए, मंडे की क्लास में यानी कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलने का तरीका हम लोगों ने देखा था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब बहुत ज़्यादा क्लास हमारी लगने वाली नहीं है, दो तीन क्लास में हमारा बाकी का जो काम बचा हुआ है वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगा, फिर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम अपना कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का काम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और हमारे सामने बन सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर वन आप लोग देखिए बेटा, नोट पॉइंट नंबर वन। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर वन है हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, 10^4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को इसे बदलना है डैश ग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 में। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ऐसी भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है बच्चों, कि इस वैल्यू को हमें इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है, भाई इधर की न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको दे रखी है, यहाँ की यूनिट आपको दे रखी है, यहाँ की यूनिट दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो x मान लो या n मान लो, अपनी तरफ से कुछ लेट कर दो, इधर भी x और n। ठीक है, तो हमने n लेट कर दिया बेटा। अब n की वैल्यू जो निकल कर आएगी हमारे पास में, वो आएगी 10^4, हम किलोग्राम के अपॉन में लेकर आएंगे ग्राम को, क्योंकि किलोग्राम और ग्राम दोनों के दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो फैमिली है मास की फैमिली। यहाँ है पावर वन और यहाँ भी है पावर वन, तो ये भी हो गई पावर वन। ओके बेटा, अब देखिए मीटर के अपॉन में लेकर आएंगे मीटर को, दोनों एक ही फैमिली से हैं, दोनों एक ही यूनिट है, तो मीटर अपॉन मीटर, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो ये हो गया होल स्क्वायर। सेकेंड के अपॉन में लेकर आएंगे सेकेंड को, तो सेकेंड अपॉन सेकेंड की होल पावर -2। होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हो बेटा। ठीक है, अब आप देखो, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट। ठीक है बेटा, हमारे पास में बचा n इज इक्वल टू 10^4, यह है किलोग्राम और यह है ग्राम। किलोग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम की होल पावर 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सो n की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, यह है 10^4 और यह है 10^3, तो बेटा n की वैल्यू बन गई है हमारे पास में 10^7, यानी यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आएगी ना हमारी, वो 10^7 निकल कर आएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई हो, यहाँ की ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन नहीं दी गई थी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी 10^7 होगी बेटा। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, होप सो कि आप बना लोगे, यार बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप लोग कर लोगे इसे। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने, यहाँ है 100, यहाँ है जूल, यहाँ है मीटर और यहाँ है सेकंड की पावर -1। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, मुझे इसे कन्वर्ट करना है डैश, यहाँ मुझे दिया गया है अर्ग ERG, यहाँ मुझे दिया गया है सेंटीमीटर और यहाँ मुझे दिया गया है मिनट की पावर -1। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, मुझे इस वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इस सिस्टम को इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास में है, क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ की न्यूमेरिकल वैल्यू है 100, हमें कन्वर्ट करना है बेटा इसे इस सिस्टम में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने माना कि जैसे ही इस वैल्यू को इस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में n। अब ये n फाइंड आउट करना है बेटा मुझे, ये n मुझे फाइंड आउट करना है, n कितना होगा, तो n की वैल्यू आएगी मेरे पास में, n इज इक्वल टू 100। देखो
जूल एंड अर्ग, ई आर जी अर्ग, दोनों एक ही फैमिली से हैं और वो फैमिली है एनर्जी की फैमिली। तो बेटा यहाँ जूल के अपॉन में आ जाएगा अर्ग, ई आर जी, और होल पावर हो जाएगी वन, क्योंकि यहाँ की पावर भी वन है और यहाँ की पावर भी वन है। होप सो कि आप लोग समझ रहे हों अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम यहाँ पर। यह है मेरे पास में मीटर और यह है मेरे पास में सेंटीमीटर, दोनों एक ही फैमिली से हैं भाई। मीटर भी लेंथ को मेज़र करता है और सेंटीमीटर भी लेंथ को मेज़र करता है। तो मीटर के अपॉन में आएगा सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम यहाँ से उठाकर ले जाएंगे इसके अपॉन में। ठीक है बेटा, अब यहाँ है हमारे पास में सेकंड और यहाँ है मिनट। ये हो गया सेकंड और ये हो गया मिनट की होल पावर हो गई मेरे पास में माइनस वन। ये कंडीशन मेरे पास में बनेगी बेटा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। n इज इक्वल टू 100, ये क्या है भाई जूल और ये क्या है अर्ग, और दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों में रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है बेटा, इसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसके बाद 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये है बेटा हमारे पास में कंडीशन। होप सो कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हों। तो जूल की जगह मैंने लिख दिया है यहाँ पर 10 टू द पावर 7 अर्ग डिवाइडेड बाय अर्ग। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिए बेटा, ये मीटर ये सेंटीमीटर, हमने मीटर को लिख दिया है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। ओके बेटा, इसके बाद ये सेकंड और ये मिनट। अच्छा, चेंज तुम किसी को भी कर सकते हो, ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हो, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऊपर वाले को ही चेंज करना है। ऊपर सेकंड है, नीचे मिनट है, तो मिनट की जगह मैंने लिख दिया है 60 सेकंड, और ये बन गया है मेरे पास में होल पावर माइनस वन। ये बन चुका है मेरे पास में होल पावर माइनस वन। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा। अर्ग से अर्ग कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट। ठीक है बेटा, क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा n इज इक्वल टू 100 का मतलब है 10 स्क्वायर, फिर है हमारे पास में 10 की पावर 7। ठीक है बेटा, ये है 10 की पावर 7, 100, 100 का मतलब है 10 स्क्वायर, समझ रहे हो। अच्छा, ये है 1/60 की होल पावर माइनस वन, 1/60 की होल पावर माइनस वन। अगर मैं 60 को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगी पावर प्लस वन, ये बनेगा बेटा मेरे पास में। अब बताइए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर बनेगा 6 × 7 × 9 × 11 × 1 = 12। ये आंसर बनेगा भाई हमारे पास में। n इज इक्वल टू 6 × 10 to the power 12। ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इस सिस्टम में, इस सिस्टम में ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाली है बेटा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया हो, और अभी तक तो परेशानी होनी नहीं चाहिए यार बिल्कुल, क्योंकि बहुत आसान बात है और बहुत आसानी से आप लोग कर भी रहे हैं इसे। ठीक है, करिए नोट डाउन, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं बेटा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर। देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, थर्ड एग्जाम्पल है 200 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस टू। हमें इसे कन्वर्ट करना है बेटा पाउंड फिट सेकंड की पावर माइनस टू में। ये वैल्यू है हमारे पास में, हमें इसे कन्वर्ट करना है इस सिस्टम में। आप जानते हैं कि इस सिस्टम का नाम होता है MKS और इस सिस्टम का नाम होता है FPS, F यानी फुट, P यानी पाउंड, S यानी सेकंड। ठीक है बेटा, तो 200 और ये वैल्यू को जब हम इस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर हमारा आने वाला है, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, हमने माना कि जब इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करेंगे आंसर आएगा हमारे पास में n। तो देखिए n की वैल्यू क्या बनेगी बेटा हमारे पास में, n की वैल्यू बनेगी
200 किलोग्राम के अपॉन में आएगा। किलोग्राम की फैमिली का कौन है इधर? किलोग्राम की फैमिली का है पाउंड, इसके अपॉन में आ गया पाउंड। यह है मीटर, इधर मीटर की फैमिली का कौन है? फुट। ठीक है बेटा, यह है सेकंड और इधर क्या है? सेकंड। सेकंड अपॉन सेकंड की होल पावर माइनस टू, ये हो गया कैंसिल आउट। अब आप देखिए स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 200। भाई ये है हमारे पास में किलोग्राम और ये है हमारे पास में पाउंड, तो किलोग्राम और पाउंड के बीच हमें रिलेशन पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भैया, 1 pound इज इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम। लो भैया, जो 1 pound हमारा होता है वो इतने किलोग्राम के बराबर होता है। तो हम एक काम करेंगे, हम पाउंड की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 0.4536 किलोग्राम। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए ये क्या है हमारे पास में? मीटर। और ये क्या है हमारे पास में? फुट। मीटर में और फुट में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। वैसे तो लिखा जाता है 1 meter इज इक्वल टू 3.25 feet, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और बिल्कुल एक्यूरेटली अगर आपको देखना है तो बिल्कुल एक्यूरेटली होता है 3.28 feet। तो हम 1 meter की जगह लिख देंगे 3.28 feet अपॉन में है फुट। फुट से फुट कैंसिल आउट, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट। देखिए बेटा क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास में, हमारे पास में वैल्यू बनेगी 200 इंटू 1 upon 0.4536 एंड मल्टीप्लाई बाय 3.28। लो बेटा ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। मैं कम से कम इतनी उम्मीद तो आप लोगों से कर ही सकता हूँ कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आप लोग निकाल लेंगे। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? अरे यार बड़ा बेसिक काम है, इतना तो कर ही लोगे, तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, ये है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल की और बात करेंगे, फिर ये काम हमारा फिनिश हो जाएगा बेटा बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से नोट करिए, ओके बेटा। चलिए अभी हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारे पास में, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 आया 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर माइनस टू। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में, हमें इसे न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है बेटा। न्यू सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो क्या है जरा समझिएगा, न्यू सिस्टम में इसकी यूनिट है ग्राम की पावर माइनस वन, मीटर की पावर 3 और यहाँ है हमारे पास में सेकंड की पावर माइनस टू, सेकंड की पावर माइनस टू, सेंटीमीटर की पावर 3 है और यह है सेकंड की पावर माइनस टू। ये वैल्यू हमें दे रखी है और इस वैल्यू को हमें इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जिस वैल्यू में हमें इसे कन्वर्ट करना है या जिस सिस्टम में हमें इसे कन्वर्ट करना है, ये सिस्टम है हमारे पास में CGS। इस सिस्टम का नाम है हमारे पास में CGS सिस्टम। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा ये सिस्टम कौन सा है भाई हमारे पास में? ये सिस्टम को SI कह लो या MKS कह लो, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि पहले इस न्यूटन को किलोग्राम में, मीटर में और सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब न्यूटन को हम कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं? अगर इधर न्यूटन होता और इधर डाइन होता फिर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि न्यूटन और डाइन में हमें रिलेशन पता है। लेकिन इधर तो न्यूटन है उधर डाइन नहीं है, तो हमें इस न्यूटन को बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, मीटर में और सेकंड में। तो न्यूटन को हम रिप्लेस कर सकते हैं बेटा
किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस टू, इसमें हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो एक काम करो, न्यूटन की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। जैसे ही न्यूटन की जगह तुम ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा 6.67 इंटू 10^-11 किलोग्राम की पावर माइनस वन मीटर की पावर थ्री सेकंड की पावर माइनस टू - ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर थ्री सेकंड की पावर माइनस टू। और मान लीजिए कि कन्वर्ट करके जो आंसर आया वो आया है बेटा n, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू क्या होने वाली है आपके सामने, n की वैल्यू होने वाली है 6.67 इंटू 10^-11 किलोग्राम के अपॉन में आएगा ग्राम, और इसकी होल पावर है हमारे पास में माइनस वन। मीटर के अपॉन में आएगा सेंटीमीटर, और इसकी होल पावर है थ्री। और सेकंड के अपॉन में आएगा सेकंड, इसकी होल पावर है माइनस टू, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है बेटा, इतना तो समझ सकते हैं। अब आप देखो, n इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-11। देखिए, किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10^3 ग्राम। 1 किलोग्राम और ग्राम में ये रिलेशन होता है, और अपॉन में है ग्राम, और होल पावर है माइनस वन। मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की होल पावर है 3। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। देखो बेटा क्या बना आंसर हमारे पास में, 6.67 इंटू 10^-11। ठीक है, ये 10^3 होल पावर माइनस वन, तो ये बन गई 10^-3। ये है 10^2 होल पावर थ्री, 2 × 3, तो ये बन जाएगा अपने पास में 6। ओके, सो -11 एंड -3 -14, -14 और +6, n इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-8। अगर हम इस वैल्यू को इस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो ये आंसर हमारा निकल कर आएगा बेटा, ये आंसर हमारा निकल कर आएगा। होप सो कि आपको समझ आई हो बात कि न्यूटन को इसमें कब कन्वर्ट करना है। अगर इधर न्यूटन है और उधर डाइन है तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ एक तरफ न्यूटन या एक तरफ जूल दे रखा है आपको, तो न्यूटन की जगह ये लिखना पड़ेगा और जूल की जगह लिखना पड़ेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस टू, तब जाकर आप कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे बेटा। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझ भी आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 पर। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास में, 1 एम्पियर आवर, हमें इसे कन्वर्ट करना है - एम्पियर सेकंड में। ये हमारे पास में एक छोटा सा कन्वर्जन है, बहुत मामूली सा कन्वर्जन है कि 1 एम्पियर आवर को एम्पियर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। भाई तरीका, मेथड या स्टेप आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसको इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मैंने लेट कर दिया है एक्स। एक्स कर लो या एन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अब देखो n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1। इसको लेकर जाएंगे इसके अपॉन में, भैया एम्पियर के अपॉन में कौन जाएगा, एम्पियर, एम्पियर अपॉन एम्पियर की होल पावर 1। आवर के अपॉन में कौन जाएगा, सेकंड, होल पावर 1। ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या बनी हमारे पास में, n की वैल्यू बनी हमारे पास में, आवर की जगह हम लिख सकते हैं 3600 सेकंड। 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं, और अपॉन में है हमारे पास में सेकंड, और होल पावर है 1।
तो सेकंड से हो गया सेकंड कैंसिल आउट। तो बेटा वैल्यू जो बन गई हमारे पास में वो बन चुकी है 3600 सेकंड। ये बनी है हमारी n की वैल्यू। n इज इक्वल टू 3600 सेकंड। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। बेसिक सी बात है, कोई मुश्किल बात तो है नहीं कि भाई बहुत मुश्किल बात है और आप ना कर पाओ, आराम से कर लोगे आप इसे। ठीक है, कर लो फटाफट नोट डाउन, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, चल अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट हमारे पास 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, अब हमें इसे काहे में कन्वर्ट करना है। पहले हमें देखनी है इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर माइनस 1 मीटर की पावर माइनस 2। लो मेरे बेटे, ये इसकी यूनिट है कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर माइनस 1 मीटर की पावर माइनस 2। ठीक है, हमें इसे कन्वर्ट करना है डैश वैल्यू में। यहाँ है हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा जरा, कूलम स्क्वायर डाइन की पावर माइनस 1 सेंटीमीटर की पावर माइनस 2। हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना है। तो बेटा मैंने मान लिया कि कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा वो n आएगा। सबसे पहले आप ये देखो, इधर क्या है न्यूटन और उधर क्या है डाइन। तो न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर माइनस 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर न्यूटन है और इधर डाइन है, और न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन हम लोगों को पता है ऑलरेडी। तो इसीलिए हम न्यूटन की जगह वो किलोग्राम वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए बेटा n क्या निकल कर आएगा हमारे पास में। यहाँ से n हमारे पास में आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, कूलम के अपॉन में आएगा कूलम्ब। ये कूलम्ब है बेटा, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन के अपॉन में आएगा डाइन, न्यूटन अपॉन डाइन, दोनों की पावर माइनस 1 है तो ये हो गया पावर माइनस 1। मीटर के अपॉन में आएगा सेंटीमीटर और दोनों की पावर हो गई हमारे पास में माइनस 2। ये रिजल्ट बनेगा बेटा हमारे पास में। ठीक है, अब देखो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचा अपने पास में, अपने पास में बचा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ऊपर क्या है न्यूटन और नीचे क्या है डाइन, इन दोनों में रिलेशन हमें पता होता है। 1 न्यूटन अकेला न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होगा। अकेला न्यूटन इतने डाइन के बराबर होगा, एक न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं इतने डाइन, और मीटर की जगह हम लिखेंगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर माइनस 2। ये बन गए बेटा हमारे पास में कंडीशन। डाइन से डाइन कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। देखिए क्या बचा हमारे पास में, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यह है 10 की पावर 5 और यह है होल पावर माइनस 1, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 5। यह है 10 स्क्वायर और यह है होल पावर माइनस 2, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा हमारे पास में 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 21। माइनस 5 माइनस 4 यानी माइनस 9 और माइनस 12 यानी माइनस 21। ये आंसर हमारा निकल कर आएगा बेटा, ये आंसर हमारा निकल कर आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ऐसे हम आंसर बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया हो। तो अब इसके ऊपर बेसिक 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 जितने सवाल बन सकते थे वो सब मैंने आपको बता दिए। कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये भी बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कुछ अच्छे लेवल के।
कुछ बहुत बढ़िया लेवल की प्रॉब्लम बनती हैं। तो दो तीन प्रॉब्लम मैं आपको वो बढ़िया लेवल की बता रहा हूँ और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? आप इसे नोट कर लीजिए, वो हम दो तीन प्रॉब्लम कुछ स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ेंगे और उसके बाद में कहानी ख़त्म, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर। चलिए बेटा, तो प्रॉब्लम क्या है ज़रा देखिएगा। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत शानदार प्रॉब्लम है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा ज़रा। मेरे पास में है 20 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। हमें इसे कन्वर्ट करना है एक नए से सिस्टम में, एक नया सिस्टम हमें दे दिया, नया सिस्टम। उस नए सिस्टम में मास को रिप्रेजेंट करता है ए। मास को कौन रिप्रेजेंट करता है? ए। यहाँ मास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? किलोग्राम। नए सिस्टम में मास को रिप्रेजेंट करता है ए, तो ए की पावर हो गई 1। यहाँ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर, उस नए सिस्टम में लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है बी, बी की पावर हो गई 1। उस नए सिस्टम में यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड, उस नए सिस्टम में टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है सी, और सी की पावर हो गई -2। न्यू सिस्टम की बात हो रही है बेटा, न्यू सिस्टम की बात हो रही है। उस नए सिस्टम में मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान से, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है बी नए सिस्टम में, और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है सी। ए की जो वैल्यू है हमारी वो 10 किलोग्राम के बराबर है, बी की जो वैल्यू है हमारी वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो सी की वैल्यू है वो 0.1 सेकंड के बराबर है। ये आपको गिवन दे रखा है, नया सिस्टम है, न्यू सिस्टम है, मास को ए, लेंथ को बी और टाइम को सी रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। तो भाई हमने मान ली कि नए सिस्टम में वैल्यू निकल कर आएगी एन। अब देखो एन को हम कैसे बनाएंगे। एन निकलेगा हमारे पास में 20 किलोग्राम के अपॉन में, यहाँ से आएगा ए, किलोग्राम के अपॉन में आ गया ए होल पावर 1। मीटर के अपॉन में आएगा बी होल पावर 1। सेकंड के अपॉन में आएगा सी होल पावर -2। समझ रहे हो बेटा? अब आप देखो जरा, कैपिटल एन इज इक्वल टू 20 किलोग्राम, ए की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 10 किलोग्राम, तो ए की जगह रख देंगे 10 किलोग्राम, होल पावर है 1। यहाँ है एम, बी की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम रख देंगे 1 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात? होल पावर 1। यहाँ सेकेंड है और सी की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 0.1 सेकेंड होल पावर -2। अब देखो बेटा क्या आंसर आने वाला है हमारे पास में। किलोग्राम से किलोग्राम फिनिश, मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? दिख रहा है मीटर आप लोगों को? इस मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिनिश, सेकेंड से सेकेंड फिनिश। देखो क्या बनेगा अपने पास में, 20, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1, यह है 100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर +2, ये 0.1 तो ये बन गया 10, और 10 की पावर है यह है हमारे पास में -2, इससे ये कैंसिल आउट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर आएगा 2। कि इस नए सिस्टम में ये जो 20 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 है, इस नए सिस्टम में जाकर ये वैल्यू हमारी 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 2। इस नए सिस्टम में पहुंचकर ये वैल्यू बन जानी है हमारी बेटा 2। ये क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। करिए जल्दी से नोट डाउन। आपको हमने बताया कि भाई किस तरीके से प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है ये बहुत ज़रूरी है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए अब बिल्कुल ऐसे ही एक और प्रॉब्लम हमारे पास में आती है,
बिल्कुल ऐसे ही एक और प्रॉब्लम हमारे पास में आती है, ठीक है। देखो हमें दे रखा है 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। हमें इसे कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में। ध्यान से जरा, उस नए सिस्टम में किलोग्राम का काम कर रहा है ए की पावर 1, लेंथ का काम कर रहा है बी की पावर 2 और टाइम का काम कर रहा है सी की पावर -2। बाकायदा क्वेश्चन की लैंग्वेज में आएगा ये, मैं जब DPP सॉल्व कराऊंगा तो लैंग्वेज के साथ आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे आप लोगों से प्रॉब्लम पूछी जाती है। मास का काम कर रहा है ए, लेंथ का काम कर रहा है बी और टाइम का काम कर रहा है सी। अब ये जो कैपिटल ए है हमारे पास में, ये काम कर रहा है 0.1 किलोग्राम का बेटा। ये जो कैपिटल बी है ये काम कर रहा है 0.1 मीटर का, और ये जो कैपिटल सी है ये काम कर रहा है 0.1 सेकंड का। समझ रहे हैं आप लोग? आपको बताना है कि नए सिस्टम में क्या वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में, नए सिस्टम में क्या वैल्यू हमारे पास में बनेगी। ए रिप्रेजेंट करता है मास को, बी रिप्रेजेंट करता है लेंथ को और सी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। जब यहाँ किलोग्राम की पावर 1 है और ए मास को रिप्रेजेंट करता है तो ए की पावर 1, लेंथ की पावर 2 तो यहाँ बी की पावर 2 और सी की पावर -2। मैंने मान लिया कि वैल्यू आएगी एक्स या एन, जो भी आप मानना चाहो। एक्स की वैल्यू मेरी यहाँ से बनेगी 200 किलोग्राम के अपॉन में आएगा भाई हमारे पास में ए होल पावर 1, मीटर के अपॉन में आएगा हमारे पास में बी होल पावर 2, सेकंड के अपॉन में आएगा सी होल पावर -2। ये वैल्यू बन गई बेटा हमारे पास में। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 200, ये है किलोग्राम, और कैपिटल ए को हम लिख सकते हैं 0.1 किलोग्राम, ठीक है बेटा। इसके बाद ये है मीटर, और बी को हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, ओके। इसके बाद में है सेकंड, और सी को हम लिख सकते हैं 0.1 सेकंड की होल पावर -2, ठीक है। देखो अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। ये 0.1 हटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 10, बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर। पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये स्क्वायर चल रहा है। तो हमारे पास में आ जाएगा बेटा 200, ये है मेरे पास में 10, ये है 10 की पावर 2 और ये है 10 की पावर -2। इससे ये कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकल कर आएगा 2000 की। ये वैल्यू जब हमारी नए सिस्टम में पहुँच जाएगी तो नए सिस्टम में इसका आंसर निकल कर आएगा 2000। इस नए सिस्टम का नाम क्या है? ये नया सिस्टम हमारा अननोन सिस्टम है बेटा, अननोन सिस्टम है। इस नए सिस्टम का कोई नाम नहीं है, ये अननोन सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? ये हमारा MKS सिस्टम है, MKS, और ये हमारा अननोन सिस्टम है। ज़्यादातर IIT JEE या मेंस या नीट में यही प्रॉब्लम आती है आपके यूनिट के अंदर से। पहली बात तो यूनिट से सवाल बहुत कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो यहीं से और इसी तरीके का सवाल आप लोगों से पूछा जाता है बेटा। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग प्रॉब्लम बना लेंगे, ज़्यादा परेशानी अब आप लोगों को होगी नहीं, आप इस तरीके का क्वेश्चन भी बना लेंगे। मैं कन्वर्जन के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बेटा, और उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में हमारी, और मुझे उम्मीद है कि कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। देखो बेटा, प्रॉब्लम हमारे पास में ये है 4.2 जूल, ठीक है। आपको इसे कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में, न्यू सिस्टम में इसे कन्वर्ट करना है, जहाँ नए सिस्टम में मास की जो यूनिट है वो ए है, लेंथ की जो यूनिट है वो बी है और टाइम की जो यूनिट है वो सी है। बेटा समझिएगा ध्यान से, आपको इसे न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है जहां मास की यूनिट ए है, लेंथ की यूनिट बी है और टाइम की यूनिट सी है। ये जो ए है
ये काम करता है अल्फा किलोग्राम का, ये जो बी है ये काम करता है बीटा मीटर का, और ये जो सी है ये काम करता है गामा सेकंड का। बेटा गामा सेकंड, ए की वैल्यू इसके बराबर, बी की वैल्यू इसके बराबर और सी की वैल्यू इसके बराबर। अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हमें कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में, नए सिस्टम में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप ये देखो, इधर तो है जूल और उधर है नया सिस्टम, तो पहले जूल को किलोग्राम, मीटर और सेकंड में बदलो, क्योंकि अगर इधर जूल होता और उधर अर्ग होता ERG, फिर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या है, इधर जूल है और उधर नया सिस्टम है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जूल को रिप्लेस करेंगे बेटा इससे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 से। अब आप देखो हमारे पास में बन चुका है 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। जूल की जगह हम ये लिख सकते हैं, हमें इसे कन्वर्ट करना है नए सिस्टम में। ठीक है, इधर क्या है किलोग्राम और इधर मास का काम कर रहा है ए, तो ए की पावर 1, बी की पावर 2 और सी की पावर -2। ये बन गया बेटा हमारे पास में किलोग्राम की पावर 1, मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, और ऐसे ही हमने इधर ले लिया है पावर्स को। अब यहाँ से निकालते हैं एन की वैल्यू, 4.2 किलोग्राम के अपॉन में जाएगा ए, ठीक है, उसके बाद मीटर के अपॉन में जाएगा बी होल स्क्वायर, उसके बाद सेकंड के अपॉन में जाएगा सी होल पावर -2। ठीक है बेटा, चलिए वैल्यू निकालते हैं, n इज इक्वल टू 4.2 किलोग्राम, भाई a की जो वैल्यू है वो अल्फा किलोग्राम के इक्वल है मीटर, b की जो वैल्यू है वो बीटा मीटर के इक्वल है, बीटा मीटर होल स्क्वायर, और c की जो वैल्यू है वो गामा सेकंड के इक्वल है होल पावर -2। ठीक है, अब आप देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, क्या आंसर बना भाई हमारे पास में, हमारे पास में बना n इज इक्वल टू 4.2, जब अल्फा यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये बनेगा अल्फा -1, जब बीटा यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये बनेगा बीटा की पावर -2, और जब गामा यहाँ से ऊपर जाएगा, गामा अपॉन में है ना अभी, जब गामा यहाँ से ऊपर जाएगा तो गामा बनेगा गामा +2। ये आंसर हमारे पास में आएगा बेटा, n इज इक्वल टू 4.2 अल्फा -1, बीटा -2 और गामा की पावर +2। नए सिस्टम में पहुंचकर ये इसकी वैल्यू होने वाली होगी, नए सिस्टम में पहुंचकर ये इसकी वैल्यू होगी। तो कन्वर्जन के ऊपर बेटा इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं, और जितने भी बन सकते थे सब मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद है कि अब आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम ना हो, कन्वर्जन के हर एक क्वेश्चन को चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप स्मूथली और आराम से आप लोग उसे कर पाए। ठीक है बेटा, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेस क्वांटिटी हमारे पास में होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी थी। भाई सबसे पहली थी हमारे पास में मास, नंबर 2 थी हमारे पास में लेंथ, याद है ना बेटा, नंबर 3 थी हमारे पास में टाइम, नंबर 4 थी हमारे पास में टेम्परेचर, नंबर 5 थी हमारे पास में करंट, ओके, नंबर 6 थी हमारे पास में मोल या क्वांटिटी ऑफ मैटर, और नंबर 7 थी हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में बेस क्वांटिटी थी, मास, लेंथ,
टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इन सात के सात बेस क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, एक एक को पकड़ेंगे और बढ़िया करके डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। जैसे मास है, तो मास क्या होता है, मास की स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है, मास की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, मास की अनदर यूनिट्स क्या है, मास कितने टाइप का होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ जानेंगे बेटा। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बात करेंगे बेटा मास की। अब हमारा अगले दो से तीन दिन इन सात के सात क्वांटिटीज़ के बारे में जानने का काम है बेटा। अब से दो तीन दिन हम इन सभी क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे, और जहाँ हमने क्वांटिटीज़ के बारे में जाना, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ना होता है। तो उम्मीद है कि जितना अभी तक पढ़ाया है वो सब आप लोगों को क्लियर होगा। ये अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा, और सबसे फर्स्ट हेडिंग, यानी फर्स्ट हेडिंग जो आप लोग डालेंगे बेटा, वो होगी मास। हम लोग सबसे पहले जानेंगे मास के बारे में, लेकिन मास के बारे में हम आज नहीं जानेंगे, मास के बारे में जानेंगे हम लोग कल, ठीक है। कल से हम मास स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है कि कन्वर्जन के ऊपर मैंने जितनी भी प्रॉब्लम आपको बताई हैं, लगभग 8 से 9 प्रॉब्लम मैंने आज की क्लास में बेटा डिस्कस किए हैं आपके साथ में, हर एक प्रॉब्लम को आपको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करना है, और नोट करने के बाद में ध्यान से समझना है, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ में आप लोगों को डिस्कस करना है बेटा, ठीक है। चलिए, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।